आज का वीडियो जो है ना आपका बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है मीशो का ज्वेलरी कलेक्शन के ऊपर। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज्वेलरी शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मीशो में इतनी कम प्राइस में आपको इतनी वैरायटी ऑफ ज्वेलरी मिलेगा कि आप लोग देख के पागल हो जाओगे। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना अगर आप खुद के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं। अगर आप अर्न भी करना चाहते हैं तो आप मीशो से शॉपिंग करके घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट पे अर्न भी कर सकते हैं। वो कैसे वो मैं बाद में बताती हूँ, तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक ईयरिंग से। तो ये वाला जो ईयरिंग है आप देख रहे हो ये ऑक्सीडाइज का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिरर जैसा फिनिश है, ये मिरर ही है। और ये जो झुमका है ना काफ़ी बड़ा सा है, मुझे तो बड़ा सा झुमका बड़ा सा ईयरिंग बहुत अच्छा लगता है। आज लेके बैठी हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। उसमें से सेकंड वाला आइटम जो है वो थोड़ा सा हटके आइटम है, वो है एक एंकलेट। तो हम लोग कभी बीच पे घूमने जाते हैं, कभी थ्री क्वार्टर केपरी पहनते हैं उसके साथ, कभी मन होता है कि एक एंकलेट पहनते तो बहुत अच्छा लगता है। सो, ये वाला देखो, ये एंकलेट जो है ना ये बहुत खूबसूरत है। इसको पहन के आप बीच में जाओ, कहीं भी गार्डन पे जाओ, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से है, ये ब्लैक कलर का एक ऊल है, उसके ऊपर ऑक्सीडाइज एकदम सिल्वर प्रॉपर ऑक्सीडाइज का। इसमें चार बीड्स है, अंदर एक फ्लावर जैसा मोटिव है और एक चेन है, इसमें एक पत्ता का डिज़ाइन है। ज्वेलरी दिखाती हूँ जिसके साथ अवेलेबल है इसका ईयरिंग। तो इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, मैं आपको बता दूँ। मीशो में ना हर एक प्रोडक्ट जो है ना उसका कोई लिंक नहीं होता है, उसका एक कोड होता है, एक नंबर होता है और सारे प्रोडक्ट और सारे नंबर जो है ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उधर पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप घर बैठे मीशो से अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसमें जाके क्लिक करके आप उसमें से डाउनलोड करके अगर सेल करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो, ये जो चोकर है ना ये एकदम गोल्डन कलर में है और आप देखो इसको मीनाकारी वर्क बोलते हैं। ये रेड और ब्लैक में है इसका कलर कॉम्बिनेशन। आप चाहे थोड़ा सा लूज करके भी पहन सकते हैं क्योंकि ये टाई करने के लिए आपको ये वाला दिया जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। और इसके साथ में एक छोटू सा टाइनी सा एक ईयर रिंग है विच इज़ वेरी 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 नाइस। देखो इसमें भी ये जो आपको मिलता है ना इधर पे एक छोटा सा ऐसे बीट्स है और ये जो इयररिंग है ना ये बहुत ही क्यूट सा इयररिंग है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो इसके लिए ओनली अगर आपके पास कोई कोड नंबर नहीं है पर उस चीज़ को आपको सर्च करना है, बाहर की कोई चीज़ है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके, जैसे मैं आप कोई भी ज्वेलरी दिखा रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके, अगर आप मीशो में जाके एक कैमरा का ऑप्शन रहता है उधर जाके अगर पिक्चर अपलोड करोगे तो सेम जो चीज़ें उस ऐप में अवेलेबल है तो आपको शो करता है। तो इस तरह से भी आप मीशो में प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। सो, चलिए आते हैं नेक्स्ट वाला एक नेक पीस पे। ये जो नेक पीस है ना ये बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप कोई भी गाउन पहन रहे हो, अगर आप कोई भी सॉलिड कलर का ब्लैक हो मरून हो कुछ पहन रहे हो उसके साथ ये वाला जो सेट है ना ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। जस्ट सी इसका जो वर्क है ना बहुत डिटेलिंग में है, ये एकदम प्रॉपर सिल्वर कलर में है। इसके ऊपर अमेरिकन डायमंड का इसमें सेटिंग्स है और यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे स्टोन्स हैं आप देख सकते हो। और अगेन इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और अच्छा सा मोटा सा चेन है। आप जितना चाहे आप थोड़ा सा अगर ऐसे करके पहनना चाहते हैं, थोड़ा सा नेक में टाइट करके पहनना चाहते हैं, जैसे भी आप पहनना चाहते हैं उस तरह से आप पहन सकते हैं। और इसके साथ इयररिंग जो है आप देखो, आप कोई भी गाउन के साथ ओनली इयररिंग भी पहन सकते हो। ये देखो
बहुत खूबसूरत सा इयररिंग है। इसमें आपको मिलता है, उसके साथ साथ आप देखो कितना अच्छा पैकेजिंग होके ये आता है हर एक के साथ। छोटा सा मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो एंकलेट का भी एक छोटा सा बॉक्स, हर एक चीज़ अच्छे से इस बॉक्स में बबल रैप में रैप होके आता है। मैं बबल रैप को उठा के इस तरह से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे और आप देख सके अच्छे से। तो इसीलिए पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मीशो का। नेक्स्ट आते हैं ऐसी एक चीज़ पे जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगेन ये भी एक इयररिंग है, एकदम वो देवदास वाला इयररिंग है ना, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो वाला इयररिंग है। ये आजकल फैशन में बहुत इन है। बहुत सारे ऐसे गाउन है, मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था, मीशो का ही है, ग्रीन कलर का अच्छा सा गाउन है, एकदम साउथ इंडियन एक साड़ी के पैटर्न में बस वो गाउन है, बहुत सुंदर लगता है उसके साथ। अब इस तरह के अगर कोई भी इयररिंग पहनोगे ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हो। या तो फिर आप कोई भी साड़ी पहन लो, स्पेशली दुर्गा अष्टमी में ऐसे अगर आप करके बंगाली स्टाइल में साड़ी पहन लो, उसके साथ ऐसा इयररिंग्स बहुत बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो देखो इसके साथ जो है ना एक ऐसा आपको हुक जैसा मिलता है जो डायरेक्टली आप बालों में अटैच कर सकते हो, पर मैं आपको एडवाइस दूंगी इससे करने से आपको देखो प्रॉब्लम होता है। तो अच्छा है अगर आप कोई भी पिन जो होता है ना, इस तरह की बॉबी पिन, इसमें से लेके अगर आप लगाओगे तो अच्छे से आप लगा सकते हो। सो उस तरह से आप लगाना। और ये देखो इसमें मोती का, हाँ मोती है इसमें, और बहुत सारे छोटे 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 झुमका है। और जिसको आप ऐसे लगाओगे ना, उसमें तीन रो है, उसमें भी मोती है और उसमें भी बहुत खूबसूरत सा पांच झुमका है। दिखाती हूँ ये चीज भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यूनिक है। ये देखो बताओ ये क्या चीज है, ते है कौन कौन पहचानते हैं? नहीं जी ये कोई नेक पीस नहीं है, वैसे आप नेक पीस करके भी इसको पहन सकते हो, पर ये नेक पीस नहीं है, आप इसको माथे पे भी पहन सकते हो, अच्छा लग रहा है ना देखो, पर ये माथे के लिए भी नहीं है, ये है आपके ब्लाउज के साथ पहनने के लिए। हम हमेशा ही अभी डीप नेक पसंद करते हैं ब्लाउजेस में, तो उसमें ना आप इस तरह से पीठ के साइड में इस तरह से शोल्डर में इसको लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके साथ आप देखो बहुत ही टाइनी सा छोटा छोटा ऐसे सेफ्टी पिन जैसा है जो आसानी से आपके ब्लाउज में अटैच हो जाएगा। और इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये पर्ल में है, गोल्डन में है, छोटा सा एक नीचे झुमका भी है जिसमें और एक पर्ल है, और इस तरह से आप इसको पहन सकते हो। दिखाया एक रिंग के उसमें ही जो था वही सेम चीज इसमें भी है। देखते हैं कौन सा ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये है एक नेकलेस का सेट जिसमें रूबी जैसा स्टोन है, ओरिजिनल रूबी नहीं है पर नकली है, पर देखो बहुत सुंदर सा है क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है, असली कैसे दे सकते हैं इतना कम प्राइस में। ये जो क्वालिटी है ना, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बहुत अच्छा है। तो इसको जो बोलते हैं ना, इसको टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं, आप
शायद देख रहे हो, इसमें ना छोटे 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 ऐसे मंदिर की पैटर्न में मूर्ति जैसा, देखो एकदम बीच में देखो एक मूर्ति जैसा है, इसको टेंपल ज्वेलरी बोलते हैं। साउथ में ये बहुत फेमस है, साउथ कोई भी सिल्क या साउथ का कोई भी साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगेन देखो इसके अंदर भी ना आपको टाइट करने के लिए ये दिया गया है, आप चाहे तो नीचे करके पहन सकते हो चाहे तो ऊपर करके पहन सकते हो। इस पर देखो एक एक ऐसा दिया गया है जो अगर आप ब्लाउज में पीछे अगर आप थोड़ा सा ऐसे बन जैसे बना रहे हो उसमें अगर आप ये लगा के रहेगा शोल्डर में तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसके साथ आपको मैचिंग मैचिंग इयररिंग भी मिलता है। इयररिंग देखो कितना अच्छा है, थोड़ा सा मोती का नीचे डिजाइन है और देखो कितना क्यूट सा इसमें मूर्ति जैसा है, भगवान की मूर्ति जैसा। तो ये इसकी इसीलिए इसको टेंपल ज्वेलरी बोलते हैं, मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। कोई भी आपका सॉलिड कलर का कुर्ती हो, आपका साड़ी हो, या तो लॉन्ग फ्रॉक हो, स्पेशली सॉलिड कलर में बहुत अच्छा लगेगा। या तो फिर आप मलमल की जो साड़ी होता है ना उसके साथ भी इसको पेयर अप करके पहन सकते हो। तो देखो नीचे जो है ना वो तीन ऐसे झुमके काइंड ऑफ है और वो काफ़ी अच्छा है, ऑक्सीडाइज का है, चेन काफ़ी मोटा है, चेन में ना तरह तरह बीट्स है। देखो और इसमें कितना सुंदर सा वो पिकअप का एक उसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। तो इसमें ऐसे तीन आपको मिलता है और चेन जो है ना काफ़ी अच्छा और मोटा सा है और इसको आपको टाई करने के लिए इस तरह से एस जैसा मिलता है। तो इसके साथ साथ जो है ना आपको मिलता है इयररिंग जो इसमें अगेन वो पिकअप का जो डिज़ाइन है वो रहता है और थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा ग्रीनिश, ये बहुत ही यूनिक है। ऑक्सीडाइज में ब्लू ग्रीन कलर आपको मिल रहा है। मीशो से शॉपिंग कर सकते हैं। सो मीशो ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसको ओपन कीजिए। इधर पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस है, साड़ी कुर्ती सलवार बहुत सारे, जैसे इसमें से मैंने साड़ी को सिलेक्ट किया है। बहुत सारे ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपको चाहिए, या तो कौन सा वाला आप अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो और शेयर करके अर्न करना चाहते हो। जस्ट लाइक मुझे ये वाला साड़ी पसंद आ गया है और ये वाला साड़ी मैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको दोनों ही शेयर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन और इसका जो इमेज दोनों ही, पहले इमेज शेयर होता है उसके बाद जो है ना वो डिस्क्रिप्शन शेयर होता है। तो शेयर करने के बाद आपके कोई भी मेम्बर्स आपको अगर ये बोल रहा है कि उनको पसंद है तो उनके लिए अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या तो फिर खुद के लिए ख़रीदना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको मीशो में फिर से जाना है और प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कट करने के बाद आप देखोगे कि आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको कौन से वाले डिलीवरी सिस्टम में लेना चाहते हो, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम या ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन जो भी आपके कस्टमर या आपको पसंद है आप उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको फिर से प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि आपका जो प्राइस है वो कितना है और आपको कितना मार्जिन रख रहा है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 500 अगर दूंगी तो बाकी की जो आप देख रहे हैं वो मेरा जो है ना वो मार्जिन अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है और हफ्ते में एक दिन करके मीशो आपके बैंक अकाउंट में आपकी सारे अर्निंग की जो राशि होती है मार्जिन की जो राशि वो आपको दे देते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप कौन से वाले डिलीवरी ऑप्शन में इसको भेजना चाहते हैं। तो अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो आपका एड्रेस, या तो कस्टमर के लिए ले रहे हैं तो कस्टमर की एड्रेस इसमें डाल दीजिए। होपफुली आपको समझ में आ गया है कैसे आपको घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना है। अगर आप इस टाइम पे थोड़ा सा अर्निंग करना चाहते हो, थोड़ा सा अपनी फैमिली में अपना हाथ बटाना चाहते हो तो देर मत करना, आज से स्टार्ट कर देना। बस आपको थोड़ी सी टाइम निकालना है और बस शेयर करना है और शेयर करने पर आपको बिजनेस से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। और जाते जाते प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना आपको कौन सा वाला ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, मैं आपके कॉमेंट की वेट कर रही हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं, आप बताते जाना कि नेक्स्ट मीशो का आपका किसके ऊपर रिव्यू वीडियो चाहिए। मैं फिर मिलूंगी, बाय बाय।